स्वामित्व योजना की वजह से आज गांवों में एक नया आत्मविश्वास लौटा है, सुरक्षा का एक भाव जागा है, गांव के घर का नक्शा, अपनी संपत्ति का दस्तावेज जब हाथ में होता है तो अनेक प्रकार की आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। इससे गांव में जमीन जायदाद पर होने वाले झगड़े कम हुए हैं, गरीबों दलितों का शोषण की संभावनाएं भी रुकी हैं। जिन लोगों को अपनी जमीन के कागज मिल गए हैं उन्हें बैंकों से लोन भी लेने में आसानी हो रही है। एक प्रकार से गरीब की सुरक्षा, गांव की अर्थव्यवस्था और गांव में योजनाबद्ध विकास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के योजनाबद्ध विकास तथा ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में प्रारंभ की स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री जी की इस सोच को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व ने, और मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ गांव को आत्मनिर्भर बनाने का ये अभियान। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां नियमों में बदलाव करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को विधिक मान्यता दी गई और अधिकार अभिलेखों को पारदर्शिता के साथ डिजिटल रूप में एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन से तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त गांवों में आबादी सर्वेक्षण का लक्ष्य और सर्वे समय पर पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करते हुए आबादी सर्वे की संपूर्ण प्रक्रिया ऐप तथा वेब के माध्यम से पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करने के लिए ऑनलाइन की गई, जिससे मात्र 10 महीने की समय सीमा में हरदा जिले के संपूर्ण गाँव का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती पर जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में अधिकार अभिलेख का वाचन किया गया। अब अधिकार अभिलेख वितरण के लिए तैयार है। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। मोदी जी धन्यवाद, शिवराज जी धन्यवाद। योजना में अब तक 6500 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में 24 जिलों में ड्रोन कार्यरत हैं। 5600 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप जिले को प्रदान किए जा चुके हैं। 3796 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप संशोधन उपरांत जिलों को प्राप्त कराए गए हैं। 3000 गांवों में कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक निजी 271,011 और शासकीय 85,593, इस प्रकार से कुल 356,604 संपत्तियां पूर्ण रूप से सर्वेक्षित हो चुकी हैं। प्रदेश में इस वर्ष कोर्स तकनीक की स्थापना की गई। प्रदेश में 90 स्टेशन हैं। इनकी स्थापना से रोवर मोबाइल जैसे डिवाइस की सहायता से कम समय, सटीकता, किसी भी मौसम और खड़ी फसल में भी शुद्धता के साथ सीमांकन और सर्वेक्षण कार्य किया जा सकता है। स्वामित्व योजना से अब ग्रामीण नागरिक भी अपनी संपत्ति पर ऋण ले सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। उनके संपत्ति विवादों में कमी आई और निजी एवं शासकीय संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। आज मध्य प्रदेश के ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति का हक पाकर प्रसन्न हैं और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्वामित्व योजना जो चलाई गई है हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। पहले भाई भाई लड़ते थे आपस में, मोहल्ला पड़ोस वाले लड़ते थे कि मेरी जगह यहाँ से वहाँ से, और वो सब पूरा विवाद खत्म हो गया है। हमें जो हमारे मकान के पट्टे दिए गए हैं इससे हम सुरक्षित हैं, और हमारे जो प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पड़ी थी वो भी सुरक्षित हो चुकी है। जल्दी से जल्दी गांव में सर्वे हुआ और उसके कारण जल्दी से जल्दी हम लोगों को पट्टे मिलना शुरू हो गए, और हमने तो कल्पना नहीं करी थी कि सरकार इतनी जल्दी ये काम कर लेगी। हमारे पट्टे बन गए हैं, हमें लोन मिलने में आसानी हो गई है, और आपस में जो झगड़े हैं वो अब नहीं हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। इसी चाह के साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाते हुए ग्रामीण विकास के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।